सकते, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। भले ताम है दादागिरी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जय 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 आदिनाथ, जय 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 आदिनाथ, जय 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 आदिनाथ, जय 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 गिरिराज। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। जिन शासन है देव की जय, देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। जिन शासन की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। काय सांगाल, आज भव्य दिव्य जैन समाजाने रैली काढलेली आहे अलिबाग मध्ये, काय मागणे आहे? आज हमारे जैन समाज की तरफ से अलीबाग के अंदर भव्य रैली निकाली गई है। उसका विशेष यही कारण है कि आज हमारा जैन समाज के अंदर हमारे जैन जो तीर्थ है उनकी रक्षा करने के लिए बहुत ही विपरीत लोग जो अपना जैन शासन को कुछ न कुछ नुकसान पहुंचाते रहते हैं उसके विरोध में जैन धर्म शांतिप्रिय धर्म है। जैन धर्माचं सर्वश्रेष्ठ तीर्थ शत्रुंजय पालिकेला गुजरात मध्ये, या तीर्थामध्ये जे काही अतिक्रमण चाललेलं आहे, दारूचे अड्डे, मांसाहार, इथं नॉनव्हेज हॉटेल्स, रिसॉर्ट, कत्तलखाने, हे दादागिरी गुंडागिरी सगळं फार वाढलेलं आहे आणि त्याचा विरोध, सक्त विरोध करण्यासाठी आज काळ्या झेंड्याशी ही रेली म्हणजे मोर्चा निघालेला आहे। हर गांव गांव में, शहर शहर में ये मोर्चा निकल रहा है। रायगढ़ के आज जितने भी गांव हैं, सब गांव से आज पूरा जैन समाज आज यहाँ पर इकट्ठा हुआ है अपने तीर्थ की रक्षा करने के लिए, क्योंकि ये सबसे सर्वश्रेष्ठ हमारी जान, हमारी हमारा प्राण, हमारी आन बान शान है। हर धर्म के अपने अपने तीर्थ होते हैं और सबके अपने अपने नीति नियम होते हैं। यहाँ तो जब कानून का भंग सरेआम, जो तंत्र खुद ही जब आँख बंद कर बैठा है, तो ये भाजपा की सरकार को जगाने के लिए, क्योंकि आखिर है तो हम भी भाजपा को मानते हैं, कि फिर भी भाजपा की नगर पालिका और भाजपा गुजरात सरकार होते हुए भी हमने आज तक कितनी बार हमने इनको आवेदन निवेदन दिया है, लेकिन जब शांति से काम नहीं हो रहा है, इसलिए हमें अब क्रांति पे उतरना पड़ा है। और इसलिए आज हम जैन जो कभी रास्ते पर उतरते नहीं हैं, आज पूरा जैन समाज, बच्चे से बुजुर्ग तक, हर कोई इस तीर्थ की रक्षा के लिए, अपने शासन की रक्षा के लिए आज जो भी ये रैली निकाली है, मोर्चा निकाला है, और इसे हम गांधीनगर तक और दिल्ली तक लेकर जाएंगे, क्योंकि ये हमारी आस्था की लड़ाई है, ये हमारी श्रद्धा की लड़ाई है। काय सांगाल, आज जैन बांधवांनी भव्य दिव्य अशी रैली काढलेली आहे, काय कसा प्रतिसाद होता? प्रतिसाद एकदम चांगला आहे। रायगडमधून जवळजवळ 15 तालुके आहेत, प्रत्येक तालुक्यातून कोणी बसेस, कोणी गाड्या, कोणी बाई, आपापल्या ह्यांनी जैन धर्माच्या रक्षणासाठी, जैन आमचं तीर्थंकर, आमची आत्मा, त्या आत्म्याला आज आम्ही आमचं खून देऊन आम्ही हे करणार आहोत,
पालिथाना है आमचं तीर्थक्षेत्र क्षेत्र आहे तिथे दारूचे अड्डे तिथे जुगार तिथे इतर धर्माची लोक येऊन आमच्या जैन धर्माच्या लोकांना मारणं त्यांना दुखवणं त्यांचे शोषण करणं असं त्या तीर्थक्षेत्रावर चालू आहे. दारूचे अड्डे चालू आहेत त्यानंतर रिसॉर्ट चालू आहेत तरी ते बंद व्हावे अशी सरकारला नम्र विनंती करतो आणि ते बंद व्हावे. जैन समाज हा कधी रस्त्यावर उतरत नाही पण आज रस्त्यावर उतरला का? न्याय मिळण्यासाठी. न्याय हा जैन धर्म अहिंसावादी नाही आहे त्यामुळे तो यांनी आपल्या जो आत्ता रॅली काढून सरकारला एवढंच सांगू इच्छितो की जैन धर्म हा खरंच म्हणजे हे करणारा हे नाही आहे, हिंसा करणारा नाही आहे. पण जैन धर्माला जर कोणी काय डिवचवलं तर ते रस्त्यावर उतरते आज दाखवून दिलं, रायगडवासीयांनी दाखवून दिलं. कारण रायगडवासी हे घराघरातून आज लहान मुलापासून बायकांपासून बहिणींपासून आयांपासून सगळ्यांपासून आज बाहेर उतरले, रस्त्यावर उतरले, आपल्या तीर्थक्षेत्रावर उतरले. तीर्थक्षेत्र हा सगळ्यांना प्यारा आहे आणि जसं मक्का मदिना त्यानंतर अमृतसरला मक्का मदिना ते कोणी जाऊन दारूचं व्यसन करू शकत नाही. परंतु